आपकी शादी हुई है ना, आपकी शादी का असर ये नहीं होना चाहिए कि शादी होते ही आपका शौहर अपने माँ बाप से दूर होने लगा है। हमारे यहाँ तो मसाला ये है कि बीवियां शादी होते ही पहला प्लान उनका होता है शौहर को अलग करो। भाई दसियों केस आ रहे हैं महीने में, आदमी आकर के शिकायत कर रहा है शेख बीवी ने नाक पे दम किया हुआ है, बोल रही है अलग करके लगो मुझको। हाँ आपका काम तो ये होना चाहिए कि आपने शादी की आपका शौहर अपने माँ बाप से और मोहब्बत करने लगे, आप अपने शौहर को उसकी माँ से जुदा करके उसके साथ अच्छाई कर रही है, उसकी जन्नत है, जीती हुई जन्नत, जिंदा जन्नत, आप उसकी जिंदा जन्नत उससे छीन रही है, आप अपने शौहर की खैरखा नहीं। अगर आपका ये प्लान है ना, औरतें प्लान बना के आती हैं भाई, पूरा प्लान ए प्लान बी प्लान सी सब रहता है कि किसी तरह अपने शौहर को अलग करना है, और पूरा एक दारू शूरा होती है पार्लियामेंट, हाँ हाँ पूरी शूरा उनकी होती, लड़के बहुत बेचारे भोले भाले, उनकी शादी हो जाती है ना लड़के वो इसी में खुश रहते बीवी मिल गई, हाँ वो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते शादी के आगाज के दिनों में, और लड़कियां वो पूरा एकदम जैसे शतरंज की बिसात पर मोहरे बढ़ाई जाती है ना वैसे एक एक चाल चलती हैं, और पीछे से पूरा फीड गांग हो जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, सहेलियां अलग बता रही हैं, अम्मा अलग फीड कर रही हैं, बहनें अलग फीड कर रही हैं, और सारी कोशिश क्या है अलग करो लड़के को, घर से निकालो, बाप से अलग कर दो, माँ से अलग कर दो, ये आप उसके साथ खैरखाही नहीं कर रही, जुल्म कर रही हैं, उसको उसकी माँ से जुदा करके जुल्म कर रही हैं, उसको उसके बाप से जुदा करके जुल्म कर रही हैं। आपका काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने शौहर को उसकी माँ से और जोड़ने वाले बने। सासों का भी प्रॉब्लम है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरा मौजू नहीं है, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि आपका तो काम ये होना चाहिए कि आपके आने के बाद आपका शौहर अपने माँ बाप का और फरमा बरदार और खिदमत गुजार हो जाए। तो दीन में सबसे बड़ी चीज़ तो सिला रहमी है। ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।